नहीं, ये गलत बात, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा ना आपके पास जी। आज कितनी भी बारिश पड़ी 15 मिनट का जाम नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं भाई जी, 2G 3G जीजा जी ये जी वो जी। अरे भाई कितने जी, कितना लूटोगे, लूट लूट के सबको ध्यान है 2013 2014 रोज एक भ्रष्टाचार की बात आती थी, आज एक भी केस आता भ्रष्टाचार का। हमारा जो खून का रंग है भगवा है, देश के लिए खड़े हैं, इनकी तरह नहीं है विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत में टर्बन पहनना मत, इनकी तरह नहीं है। मैं आ गया हुजूर, आ गया, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। हम विदेश में जाके ये नहीं कहते कि टर्बन पहनना। भाजी कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुद्वारे द्वारा जा रहे हैं ना जी? बस 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 ठीक। हाँ जी, मैं आ गया, मुझे याद रहता है कि मुझे पूछना। मैं पूछता हूँ बाबू, पूछता हूँ आपसे भी पूछता हूँ जी। जयप्रकाश जी चित्रकूट के हैं, जब कहीं परेशानी दुनिया में आ जाती तो लोग चित्रकूट के धाम में ही जाते हैं। बोलिए गुड़गांव के बारे में। गुरुग्राम की माँ शीतला की पावन धरा में जय माँ प्रणाम करता हूँ मैं। जय हो माँ, बहुत अभिनंदन आपका है और माँ भगवती शीतला माता से और इष्ट माँ गार्गी से प्रार्थना करता हूँ कि पहले आप सतायु रहें, हमारी भी आयु आपको लगे। ना 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 पंडित जी, मैं एक बात कह देता हूँ मैं एक बात जरूर कह देता हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा, अक्सर मैं जहाँ जाता हूँ शहर में, उस शहर के ऐतिहासिक विरासत पर जरूर मैं एक दो लाइन जरूर बोलता हूँ। माँ शीतला देवी का एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर गुरुग्राम में है और इतना भव्य मंदिर शायद मैंने शीतला माता का इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं देखा। मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ और सच में, और बड़ी प्राचीनता और बड़ी भव्यता और बड़ी दिव्यता, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा है कि उनका उनका जो यहाँ पे चमत्कार, उनको लेकर तमाम निष्ठा, तमाम सारी चीजें यहाँ पे हैं और वो गुरुग्राम का जी, गुरुग्राम से जुड़ा जी 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 जी। अच्छा वो तो बनता रहेगा जी। हाँ जी, तो माँ की पावन धरा में, लेकिन गुरुग्राम में ही शीतला कॉलोनी अशोक विहार आते जी, जो 900 मीटर के अंदर है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना राजनेताओं का जाता। क्यों? जो गरीब लोग हैं बेचारे वहाँ मारे जाते हैं, वो प्लाट ले लेते हैं, उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए सड़क नहीं है और जल भराव, तो ऐसा कौन सा शहर है देश के अंदर जहाँ नहीं होता है? क्योंकि ये सुविधाएं, जहां मूलभूत सुविधा के लिए सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। वर्तमान में ध्यान कहां जाना चाहिए कि ये सड़क कैसे बनेगी, ये ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगी, जिस पर नियंत्रण करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि जब आप जनसंख्या बढ़ाएंगे, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको कितने रोड बनाने होंगे, कितने आप विद्यालय बनाएंगे। पंडित जी मैंने तो सोचा था कि आप धीरे धीरे राजनीति में रहेंगे, लेकिन आपने बड़ा तीखा व्यंग्य कर दिया भाई। मैं आ गया, ऑफ कोर्स सर जी, शो। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है सर? नाम पहले नाम बताइए। फैन हूँ मैं। फैन तो है आप, पता चले कितना क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह साहब, मुझे इसमें 25 साल लगे है मैं, तब वो कशिश पैदा हुई, 25 साल बाद वो कशिश पैदा कर पाया हाँ मैं, लेकिन मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ जी। बोलिए मुद्दे पे। हमने टीवी में सुना था, टीवी पे देखा था, आज आपके साथ सत्कार है, हम बड़े खुश हैं, हो 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 हो, और आज हम आपको कह रहे हैं आप गुड़गांव आए, बहुत वेलकम। लेकिन किंतु परंतु 10 साल में जो गुड़गांव में बस अड्डा था, उसकी ईट रोडे बेच के बीजेपी खा गई, और उसके बाद जो है वो सील हॉस्पिटल था, वो भी तोड़ के उसके रोडे बेच के खा गई, और मेट्रो था, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, 2 करोड़ रोजगार देने थे, 20 करोड़ बेरोजगार। बोले साहब इतना हो गया, इतनी चीजें हो गई। हाँ जी बाबू जी बोलिए, कहिए। सर आज गुड़गांव में जो पानी की किल्लत है, रात को महिलाएं 2 बजे 3 बजे उठ के पानी भरते हैं, लेकिन पानी फिर भी गंदा का गंदा। अरे तो आपका तो मिलेनियम सिटी है, यहाँ तो पता समझ ही नहीं आ रहा काहे की मिलेनियम सिटी है, पानी नहीं आता। अगला 1.5 मिनट जेजेपी। मेरा तो हुआ नहीं जी। अच्छा नहीं हुआ था, अच्छा आई एम सॉरी। अरे अगर नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कमी है ही नहीं टाइम की। 10 मिनट और ले लेते। 10 मिनट 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड ले लूं। 10 सेकंड नहीं, 15 सेकंड। चलिए 15 सेकंड। एक कांग्रेस ने एक बात कही कि इलाज नहीं हो रहा, हॉस्पिटल नहीं है, तो उसका जवाब भी दे दूं कि हमें ध्यान है वो समय जब गरीब गरीब कहता था कि ऐ मौत
तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, क्योंकि तेरे इंतजार में खर्च हो जाता है वो पैसा इलाज में जो होना था अंतिम संस्कार में। और आज अगर 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने का काम किया है तो मोदी जी और नायब सरकार ने दिया है। पहले पैनल पूरा हो जाने दी, उसके बाद मैं आप सभी का यहाँ माता शीतला की भूमि पर और गुरु मिस हो गया था भूमि पर आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मुझे पता है प्रतीक जी आपको 25 साल से ज्यादा हो गए इस क्षेत्र में और मुझे ज्यादा आपको ज्ञान देने की, मैं बूढ़ा हो गया अब तो बिल्कुल जी राजनीति के मामले में, पर मैं आपको और आपके दर्शकों को और यहाँ उपस्थित मेरे सारे देवतुल्य जो हमारी पब्लिक यहाँ खड़ी है उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए जो नेशनल पार्टीज है वो हमें दूर से और गुरूर से देख रही है। आप 10 साल अभी की क्यों बात करो, उससे 10 साल पहले भी था, कितनी जमीन यहाँ पे 60,000 से ज्यादा जमीन यहाँ की जो है एक्वायर कर दी गई, नोटिस भेजे गए, क्या हुआ उस जमीन का, सस्ते रेट में लेकर 2004 में जब सत्ता आई थी कांग्रेस के पास, जब से लेकर 14 तक की अगर मैं बात करूँ, फिर 14 से अब 24 की बात करता हूँ, आज तक एक सिंगल सेक्टर अगर दोनों सरकारों ने अगर यहाँ पे हरियाणा में या गुड़गांव में काटा हो तो यहाँ पे कोई भी भाई एक हाथ खड़ा करके बता दीजिए। आज ये दूर से और गुरूर से आपको देख रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। जिस मिलेनियम सिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस मिलेनियम सिटी को पूरा वर्ल्ड के अंदर मैप में देखा जाता है, वो देखा जाता है जो आप लोग दिखाते हैं, मीडिया दिखाते हैं, ये बनाई हुई बिल्डर्स की है जो पिछले जो 20 साल के अंदर बनाया गया है, किसी सरकार ने नहीं बनाई है। आज गुड़गांव गड्ढा ग्राम बन चुका है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो शिक्षा स्वास्थ्य हेल्थ इनका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए यहाँ पे मल्टीनेशनल जैसे कंपनियां तो उन्हीं के टाइप से यहाँ पे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं ताकि आप वहाँ जाइए आप इलाज कीजिए। गरीबों का देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। जहाँ बात अभी आप कर रहे थे बड़ी जो हम बात कर रहे हैं एमएनसीज की, ऐसे ही एमएनसीज हो चुकी है दोनों नेशनल पार्टीज जो दूर से गुरूर से हमें देख रही है। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि भंवर जब भी डूबेगा उभरा देकर मारेगा, सुन लो मछलियों तुमको चारा देकर मारेगा, गल्फ फेमे में मत रहना अच्छे दिन आएंगे, बात चालाक दुश्मन है तुमको सहारा देकर मारेगा। पूरा भाषण सुनाते हैं आप, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बात बहुत बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं। दिल्ली में वैसे तो हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, बड़े हॉस्पिटल से मेरा मतलब है सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन गुड़गांव में कुछ नायाब किस्म के हैं, इसके नायाब से मेरा मतलब है कि वो बहुत प्रसिद्ध हैं और वहां पर लोग आते हैं इलाज के लिए। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है, यहां पर जितने लोग हैं उनको गरीबों की बड़ी चिंता है, इतनी चिंता है गरीबों की कि मुझे लगता है गरीबी हटा ही देंगे, चुनाव जब तक खत्म होगा सारे लोग गरीबी हटा देंगे और जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये फिर वही हम पहुंच जाएंगे। कोई शख्स मुझे मिला ही नहीं जिसने ये ना कहा हो कि अस्पताल, अरे अस्पताल तो आपके यहां इतने बढ़िया बढ़िया लेकिन कह रहे हैं गरीबों के नहीं, अरे तो साहब अगर 5 साल बोले होते तो वहां भी हो गया होता, बोले ही नहीं है आप। हाँ जी, अरे कहां मर जाएगा गरीब, रुको अभी गरीब,